是哪边的

सर अगर अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे तो सर कहेंगे दैट ही इज एन अंबेडकराइट राइट एंड लास्टली तो गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ जोरदार तालियों से स्वागत करिए मिस्टर रमेश ठेठे जी का सर कैन यू प्लीज द स्टेज गाइस तालियां बस्ती रहनी चाहिए रमेश सर के लिए प्लीज थैंक यू सो मच सर द स्टेज इज ऑल योर्स नाउ good morning, ladies and gentlemen. i welcome you all to this uh, first look launch of the project. the architect of the constitution of india, dr. baba Ambedkar, has said that those who do not know their history cannot in any way create history the film the battle of bhima koregaon is an humble effort to make the people know their history and get inspired as to how their self respect can be protected the subject as, as such is well known इंडिया एक दो चार साल पहले जो घटनाएं घटित हुई थी मीडिया में काफी चर्चा इस बात की कि आखिर भीमा है क्या क्या हुआ था आखिर इस देश के 20 करोड़ लोग क्यों इस सब्जेक्ट को इस विषय को इतना महत्व देते हैं और क्यों इसकी चर्चा है और मेरे जैसा व्यक्ति जिसने म्यूजिक में काम किया है पच्चीस साल काम किया है और ऐसे व्यवस्था में रहा है जिसने करीब से देखा है कि होता क्या है वॉट इज सेल्फ रिस्पेक्ट दोस्तों आपको मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं यह फिल्म जब आएगी तो लोगों को यह सोचने पर मजबूर करेगी कौन इंसान है और कौन हैवान कौन मानवता को महत्व देता है और कौन अमानवीय अत्याचार करता है यह फिल्म एक ऐसी व्यवस्था की बात करती है जो हमारे संविधान में अपेक्षा की गई है कि इस देश का नागरिक कैसा हो हमारे अधिकार क्या है समता न्याय बंधुता इक्वालिटी फॉर ऑल ये जो बात है आज हम सोच रहे हैं, आज के तारीख में इस फिल्म को हम रिलीज कर रहे हैं मतलब जब रिलीज होगी अगले साल 2021 में लेकिन जिन परिस्थितियों के कारण यह युद्ध हुआ था 1 जनवरी 1818 को इस युद्ध को केवल दो सेनाओं ने लड़ा नहीं, यह युद्ध दो संस्कृतियों के बीच में हुआ एक संस्कृति थी समता के लिए दूसरी थी असमानता के लिए और ये लड़ाई उसकी है समता और असमानता जाहिर है मैं इस फिल्म का प्रोड्यूसर डायरेक्टर लिरिसिस्ट हूं इसकी कहानी मैंने लिखी है लेकिन मेरे साथ जो टीम इस फिल्म में है वो कमाल की है मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस उनको है अर्जुन जी जैसे काबिल एक्टर जब इनके बारे में मैंने सोचा कि आखिर अर्जुन जी को क्यों हम लेना चाह रहे हैं एक तो इनकी पर्सनालिटी और उनकी आवाज मुझे बड़ा अट्रैक्शन इनकी आवाज का और इनकी पर्सनालिटी का जैसा आपने निरव ने कहा अभी कि चॉकलेटी हीरो वगैरह मेरे लिए तो ये तब भी सिद्धनाथ थे आज भी सिद्धनाक है इस फिल्म के हीरो और इतना अच्छा इनका टोटल एक्टिंग का कहो उनका मैनरिज्म कहो इनकी बॉडी लैंग्वेज कहो मतलब इतना मतलब आई एम सो सेटिस्फाइड विथ हिम कि मेरे पास शब्द नहीं है यह कहने के लिए इसलिए अर्जुन जी इस फिल्म के हीरो है उनके लिए ताली बजाइए उनके बाजू में बैठी हमारी फिल्म की हीरोइन दिगांगना सूर्यवंशी जी मुझे लोग कह रहे थे हमारे लोग कह रहे थे हमारे टीम के कि जिनका ऑलरेडी नाम हो चुका है उनको लीजिए मैंने कहा ये बात आप क्यों कर रहे हो बोले साहब सब्जेक्ट वैसा है बड़ा सब्जेक्ट है कोई एस्टेब्लिश्ड, जिनका नाम बड़ा हो गया उनको लो तो हमें फायदा होगा मैंने कहा जिनका नाम पहले हुआ नहीं होता है उनको लेंगे तो हमने नाम किया हमने उनको ऊंचाई पर पहुंचाया कम से कम ये तो बोलेंगे जब समता की बात हम करते हैं इक्वेलिटी की बात हम करते हैं तो लेटस स्टार्ट विथ दिगाना सूर्यवंशी दिखने में तो बहुत खूबसूरत है जो बॉलीवुड की फर्स्ट लाइनर्स है उनमें ये बिल्कुल जाएंगी ऐसा मुझे लगता है क्योंकि इनकी एक्टिंग ऐसी है और जो नैरेटिव हमारा है वो नैरेटिव में फिट इन ये होती है इनकी डायलॉग डिलीवरी और टोटल जो बिहेवियर है कॉन्डक्ट है ऑन द सेट्स ऐसा लगता है कि वाकई हमने इनको लेकर बहुत अच्छा किया थैंक यू वेरी मच दिवंगना जी अब जिनका घर घर में चर्चा होता है घर घर में चर्चा होता है हम लोग देखते हैं बड़ा नाम है इन्होंने अभी तक के शूट नहीं किया शूट नहीं किया हमारे साथ इट इज अबाउट टू स्टार्ट नाउ नेक्स्ट मंथ परिचय के मोहताज नहीं है हैंडसम, खूबसूरत और हरफन मौला ग्रेट कॉमेडियन अभिषेक कृष्णा जी बैठे हैं यहाँ पे इनका रोल खैर हम कहानी तो नहीं बताएंगे आपको देखिए बड़ी 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 बड़ी, 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 बड़ी बातें करते हैं खोलना जरा इसको हम लोग समाज में बड़ी बड़ी, बड़ी बातें करते हैं अरे ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए ऐसा क्यों नहीं होता वैसा क्यों नहीं होता जब काम करने की बात आती है तो लोग पीछे हट जाते हैं और जो स्टैंड लेता है डिस्पाइट सोशल बैकग्राउंड वो काम का होता है कमाल का होता है और वो कमाल जो है इनको करना है और ये करेंगे क्योंकि ये रोल बहुत बड़ा है अभिषेक कृष्णा जी आपने अभी तक के जितने भी रोल्स किए होंगे आई एम sure, श्योर आप याद करेंगे द बैटल ऑफ बीमा को आप तो और ऊंचाई पे पहुंचेंगे आई एम श्योर अबाउट दैट इनके लिए जोरदार जोरदार्लीज ऑन ऑफ अस अब थोड़ा सा पर्दे पे आते हैं बातें बाद में करेंगे सबसे पहले मैं एक बात आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारे जो टेक्नीशियंस हैं बड़े बड़े लोग हैं उनके नाम मैं भूल गया था इसलिए मैं कह रहा हूं उसके बाद उस पर आ जाते हैं देखिए इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में की है हमारे एक्शन डायरेक्टर अब्बास अली मुगल जी उनके लिए ताली बजाई अब्बास अली मुगल जी अब ये बैटल ऑफ भीमा ये कमाल करेगा अब्बास अली का नाम तो होगा हो ही होगा आपने सर बहुत बड़ी 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 फिल्में की हैं और आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू बहुत कमाल का काम आपने किया है एंड थैंक यू फॉर दैट कबीर लाल जी हमारे डी ओ पी वेरी इन्होंने भी बड़ी बड़ी फिल्में की है। इनका नाम बड़ा है वो हमारे डी ओ पी है नितिन देसाई जी आर्ट डायरेक्टर अब ये इनका है, स्टूडियो है एंडी स्टूडियो करजत में स्टूडियो है हमारा और आर्ट डायरेक्टर भी हमारे कमाल का काम किया इन्होंने मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ और टेक्नीशियंस बड़े बड़े लोग हैं आशु त्रिखा है। जी क्रिएटिव डायरेक्टर है गजेंद्र अहिरे जी हमारे एडवाइज़र है प्लस क्रिएटिव डायरेक्टर है और सबसे बड़ी बात जो म्यूज़िक म्यूज़िक ललित सेन रमेश थेटे यानी मैं हमारी दोनों की जोड़ी इस फिल्म का म्यूजिक हम दोनों ने किया है और आप यकीन मानिए जब गाने आप सुनेंगे हम हमारी खुद की तारीफ नहीं करना चाहते मेरा मैं ओरिजिनल म्यूजिशियन हूँ हमें म्यूजिशियन बेसिकली थोड़ा थोड़ा गाता भी हूँ लेकिन ओरिजिनली मेरा म्यूजिशियन सा म्यूजिशियन का जो जॉनर है वो है और ये म्यूजिक आप देखेंगे अभी इसके बाद सबसे पहले तो हम हमारे इस फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज करना चाहते हैं आप देखेंगे और उसके बाद में फिर गानों के टीजर लॉन्चर्स है है ना सो क्लिक कैन वी प्लीज हैव द एवी गाइस दो दा तालियां बजते रहनी चाहिए अब मैं मंच पर सबसे पहले इस फिल्म के हीरो हमारे नेता नेता अर्जुन जी को आमंत्रित करना चाहूंगा आई अर्जुन जी गाइस आर ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉस प्लीज ले ले प्लीज टेक योर सीट देकांगना जी प्लीज गाइस जोरदार तालियां होनी चाहिए जी प्लीज प्लीज आइएगा कृष्णा जी इसके बाद इसके बाद आ रही अच्छा तो टू मिनट्स मैं आ, सनी जी के आने के पहले सनी लियो जी आप, आप उनका डांस देखेंगे आप किस तरह का डांस उन्होंने किया है अब मैं बोलना नहीं चाहता आपने देखना ही है आपको लेकिन वो दो मिनट का समय है मैं सबसे पहले आ, अब चूंकि बात शिवनाग की है बैटल ऑफ भीमा कोरेगा की है मैं अर्जुन जी से बात करना चाहता हूँ कि अर्जुन जी जब आपके पास में हमारे एसोसिएट प्रोड्यूसर धनंजय गलानी आए थे और आपसे रिक्वेस्ट किया कि इस प्रोजेक्ट का आप हिस्सा बनिए हम चाहते हैं okay. तो आपको क्या लगा कैसा लगा थैंक यू रमेश जी गुड आफ्टरनून एवरीवन थैंक यू एवरीबडी फॉर कमिंग इन टाइम्स ऑफ कोविड और बहुत लोगों ने मास्क पहन रखे हैं विच इज़ वेरी गुड और जिन्होंने नहीं पहने हो प्लीज़ पहन लीजिए बट कैसा लगा ए, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट um, क्वेश्चन uh, है जब भी कोई भी कहानी आपके पास आती है तो आप स्पेशली मैं जब मैं अपनी कहानियाँ चूज़ करता हूँ uh, मैं सोचता हूँ कि ये कहानी मैं क्यों करूँ यहाँ पर मेरे को मौका ही नहीं मिला कि मैं ये मैं, मेरे पास वो, क्वेश्चन का ये जवाब था कि मैं ये कहानी क्यों नहीं करूँ यू नो क्योंकि बहुत ही कम ऐसे कहानियाँ मिलते हैं आपको सब्जेक्ट्स मिलते हैं आपको जहाँ पर जो उसका मैसेज होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है और जैसे कि रमेश जी ने शुरू में ही कहा जो अंबेडकर जी ने कहा था कि इफ यू डोंट नो योर हिस्ट्री ओके यू कैन एवर क्रिएट हिस्ट्री आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट नॉलेज दैट समी एवरी ऑल ऑफ अर शुड है इस हिस्ट्री के बारे में मुझे नहीं पता था तो फर्स्टली थैंक यू रमेश जी फॉर ब्रिंगिंग मी द स्टोरी यू नो एंड टेलिंग मी अबाउट हुप एट दैट टाइम इज समथिंग विच इज गोइंग टू शॉक एवरीबडी इट इज समथिंग विच एवरीबडी शुड नो इट इज समथिंग दैट ऑल ऑफ अस शुड वर्क टूवर्ड्स यू नो अगर हम बोलते हैं कि हॉलोकास्ट हुआ था विद द जूज इन वर्ल्ड वॉर टू आई डोंट थिंक दिस वॉज एनी थिंग लेस बिकॉज ऑफ दैट आई फेल्ट कि ये जो कहानी है ये जो किरदार है जो uh, शदनाख का किरदार है जिसपे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं यू नो क्योंकि वो एक सेक्ट का ऐसा हीरो है जो उनको आज तक

बाबा साहब का नाम देखिए साहब ऐसा है आई नो वॉट इट टेक्स टू बी एन अम्बेडकर आइट एंड आई नो वॉट इट टेक्स टू बी स्टेइंग एज एन अम्बेडकर राइट लोग बात तो बड़ी बड़ी करते हैं तो मैं अम्बेडकर हूं मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा अन्याय नहीं अत्याचार नहीं तुम्हारी ऐसी की तैसी लेकिन टाइम टाइम पे हो जाता है मैं ऐसे बैकग्राउंड से आया हूं मुझे मालूम है कि आंबेडकर होना और रहना बनकर रहना बहुत बड़ी बात है और आम्बेडकर वाद का डंका इस देश में बजेगा यह मैं दावे के साथ में कह सकता हूं क्योंकि जो लोग आज भी अन्याय अत्याचार करते हैं उनको सोचने पे मजबूर करेगा ये प्रोजेक्ट ये फिल्म अभी नहीं तो कभी नहीं और हम तो संविधान की बात करते हैं और संविधान में बराबरी का हक सबसे बड़ी बात है बराबरी का हक आदमी और, और औरत दोनों के लिए होना चाहिए किसी जाति की बात नहीं कर रहे है। किसी भी जाति के हो आप लेकिन बराबरी का हक होना चाहिए और उस वक्त 1818 में जब यह घटना हुई थी यो युद्ध हुआ था उस वक्त की सामाजिक परिस्थिति कैसी थी महिलाओं के बारे में क्या बातें होती थी क्या उनका दर्जा था क्या उनका स्टेटस था क्या व्यवहार होता था उनके साथ में और बड़े बड़े लोग वो क्या करते थे ऐसे माहौल में ऐसे बैकग्राउंड में शिदनाथ के कंधे से कंधा लगाकर अपना नेतृत्व देने वाली महिला वो रोल है दिगंगनाथ जी का विमेन एम्पावरमेंट व्हाट इज विमेन एम्पावरमेंट सशक्तिकरण की बात करते हैं महिलाओं के हम क्या है आप देखेंगे आइए आप देखेंगे तो जब इनको हमने रिक्वेस्ट किया दिगांगना जी को क्या आप इसमें काम करेंगे

बट लॉकडाउन आई फील आपको बहुत कुछ इंट्रोस्पेक्ट करने uh, पर मजबूर कर देता है एंड इंटरेस्टिंगली बिकॉज हम भीमा कोरेगांव की शूटिंग जस्ट बिफोर लॉकडाउन कर रहे थे ये सब्जेक्ट मैंने प्रोबली जितना स्क्रिप्ट um, रीडिंग के टाइम पर या सर से समझ कर समझा उससे ज़्यादा अब मैं प्राउड फील करती हूँ दैट यू नो यू रमेश सर आपने डिसाइड किया कि आप इस टॉपिक पर फिल्म बनाएंगे एंड दिस इज़ योर फर्स्ट प्रोजेक्ट आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर अपॉर्चुनिटी बिकॉज सी आई फील जब आप यू you नो know, uh, इतिहास की एक खास बात है हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे साथ नहीं हो सकता बिकॉज ये तो हो चुका है राइट right? इंटरेस्टिंगली भीमा कोरेगा का जो सब्जेक्ट है सेंस ऑफ इक्वालिटी कहीं ना कहीं अभी भी हमारी सोसाइटी में इक्वालिटी अभी भी वॉर है इट इज़ मे बी यू नो एक छोटे लेवल पर पीपल आर नॉट टेकिंग गेपन् तलवारें नहीं उठा रहे हैं बट कहीं ना कहीं इनिक्वालिटी है एंड अभी कितना आसान लगता है ये कहना कि राइट टू तो एजुकेशन सबके पास है आप किसी की और नीचे नहीं देख सकते एंड ये सारी चीज़ें कितने सिंपल हैं खास करके मेट्रोसिटीज़ में मैन एंड वेमेन शुड भी ट्रीटेड इक्वली बट स्टिल आई फील ऐसे कितने कॉर्नर्स हैं सिर्फ इंडिया के नहीं ग्लोबली जहाँ कितने लेवल का डिटिंक्शन है डिस्क्रिमिनेशन है ये फिल्म उस पर एक बहुत सॉलिड लाइट डालती है एंड आई फील जो इस फिल्म का टेक अवे है आई एम नॉट श्योर हम स्क्रिप्ट रिवील कर सकते हैं इसका टेक अवे सिर्फ आई डोंट थिंक कि इनिशियली मुझे लगा था यू you नो know, एक तो मुझे पीरियोडिक फिल्म बहुत पसंद है ड्रीम एंड आई एम वेरी हैप्पी कि वो यू you नो know, मेरे करियर के इतने अर्ली स्टेज में हुआ इट्स अजॉर्चुनिटी बट उससे भी ज़्यादा आई फील इनिशली इट वज़ मोर लाइक कि ओके okay, हम एक बहुत uh, बड़ी फिल्म बना रहे हैं दैट हैड अ बिग मैसेज एंड एक वॉर हुआ था बट आई फील दैट सेंस ऑफ रिलेटबिलिटी स्टिल सो स्ट्रॉन्ग यू नो कितने लेवल के uh, uh, चीज़ें हैं जो कितने लेवल के वायलेंसेज हैं वेदर दैट इज़ मैन वेमन वेदर रेस कास्ट क्रीड कल्चर आई स्टिल नो पीपल जो लोग यू uh, नो you know, एक सर्टन टाइप का काम करते हैं यू लुक डाउन अपऑन दैम

थैंक यू फॉर बींग हमारी पूरी क्रू अफकोर्स रमेश सर इज बिन कैप्टन ऑफ द शिप रमेश सर को आप फिल्म से एलिमिनेट कर दो तो फिल्म नहीं बन सकती आई डोंट थिंक इससे ज्यादा यू नो सॉलिड डिस्क्रिप्शन मैं दे सकती हूँ बट एवरी वन नितिन सर आप फिलहाल शिवाजी महाराज जैसे दिख रहे हैं एंड योर लुक इज अमेजिंग हैव टू टू गिव इट हिम अमेजिंग नितिन जी मुझे लग रहा है आप शिदना का रोल लेने वाले हो मुझसे हाँ नो फिनल आई मीन सेट पर जाके लगता है यू नो वैनिटी तक ऐसा लगता है कि हम मैं शायद कुछ फेक कर रही हूँ सेट पर जाके लगता है नहीं मैं कुछ फेक नहीं कर रही हूँ सब रियल है दैट इज एब्सोल्यूट थैंक्स टू यू अब्बास सर थैंक यू मतलब यू वेन वी फील एक्शन वेमेन फॉर वो ब्रीफ डेज जब हमने एक्शन शूट किया थैंक यू फॉर गिविंग मी द फीलिंग आशूत रेखा से हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर इज नॉट हेयर बट वो सबसे ज़्यादा यू नो इज़ बिन प्रिसाइज ये सीन है ये ऐसे होगा दिस वुड बी दिस वे सो थैंक यू आई मीन धनंजय जी एसोसिएट प्रोड्यूसर हमारे आरती जी एवरी वन विपिन सर यू गाइज एफ बिन अमेजिंग टीम एंड आई डोंट थिंक एक अच्छी टीम के बगैर एक अच्छी फिल्म बन सकती है

थोड़ा सा हल्का फुल्का वातावरण होना चाहिए है ना और देखिए मेरा सौभाग्य है कि कृष्णा अभिषेक जी आ, इस फिल्म का हिस्सा है मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी कैन प्लीज है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हम शूटिंग कर रहे थे और जिस किरदार के लिए रमेश जी चाह रहे थे कि कृष्णा जी इसके साथ जुड़े आ, उन्होंने धनंजय को तो जो हमारे एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं उनको तो पागल कर दिया था कि उनके डेट्स चाहिए डेट्स चाहिए डेट्स चाहिए डेट्स चाहिए और मेरे ख्याल से उनको इतना शौक था कि कृष्णा जी इस फिल्म का उस किरदार को निभाए कि करोना हो गया हमारे साथ गया? और हमें शूटिंग बंद करनी पड़ी और अब जाके उन्हें इनके डेट्स मिले तो अभी आप बताइए कि आपको क्या लगता है क्योंकि एवरीडे आई वाज टोल्ड कृष्णा जी के डेट्स आ गए कृष्णा जी के डेट्स आ गए डेट्स आ गए डेट्स आ गए हाँ एवरीडे देखिए डेट्स जो है हमारे डेट जो है सबसे बड़ी एक जनवरी अठारह सो अठारह है <laughs> पांच सौ ने अट्ठाईस हजार की पेशवा बाजीराव की सेना को धूल चटा दी थी पांच सौ माराओ ने यह कमाल है इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है और उसको फैसिलिटेट करना दो ध्रुवों दो को देख करके अपना काम करना यह काम करने के लिए बहुत कम लोग होते हैं और आप यकीन मानिए ई वॉज डिस्कसिंग विद यू आपका जो रोल है एज यू नो ए पुक मेकिंग है आपको रिम्बर किया जाएगा और आप यकीन मानिए मैं रमेश तेठी की बात नहीं है ये मेरे जेब में अगर एक रुपया है तो वो बाबा साहब का रुपया है मेरा नहीं है मेरा नाम जरूर प्रोड्यूसर के रूप में है लेकिन इस फिल्म में एक आम किसान का भी पैसा लगा है तीन हजार लोगों का पैसा लगा इस फिल्म में तीन हजार छोटे छोटे गरीब किसानों का पैसा लगा है मेरा भी लगा है तो ये 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 शक्ति कहीं नहीं जाएगी इस शक्ति को जोड़े रखना और कमाल दिखाना लोगों को दिखाना ये कम नहीं होता है ऐसे मौके पे कृष्णा अभिषेक जी का इस फिल्म में आना इस फिल्म के साथ में जुड़ना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपको जी सर मुझे रिक्वेस्ट नहीं करते हैं <laughs> नहीं, नहीं, मैं हिस्ट्री कर दी है मीडिया को सुबह दस बजे सब रात वाले होते हैं तो आज सुबह आ गए दस बजे एक बार जोरदार तालियां अपने लिए और एक बार रमेश जी के विजन के लिए मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हो जाए एंड ऑनेस्ट मेरी रमेश जी से हमेशा फोन पे ही बात होती थी और uh, मुझे फोन पे काफी इंटरेस्टिंग लगे रमेश जी लेकिन जब uh, uh, मैं एक ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से कहना चाहूंगा कि जब मैंने इस फिल्म का फुटेज देखा ये पूरी टीम इन सब के लिए एक बार जोरदार तालियां मैं ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मैं इतना एक्साइटेड हो गया जब मैंने गाने देखे मास्टर जी मतलब yeah. क्या गाने किए मास्टर जी मास्टर जी के जितने गाने होते हैं जितने के हंड्रेड परसेंट सारे हिट हैं और ये भी आने वाले नए साल की हिट की शुरुआत है आप देखना तो इसीलिए आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड कि मैं भी ऐसी फिल्म से जुड़ूँ स्लैपस्टिक कॉमेडी करना बोल बच्चन की रोहित सर के साथ काम किया अक्षय सर के साथ मैंने एंटरटेनमेंट की uh, लेकिन इस ये एक एक्टर uh, के लिए भी एक चैलेंज होता है और एक जब कुछ नया करने को मिलता है तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड सर जेन्यूनली और एक और चीज़ कहना चाहूँगा ये नहीं कि अर्जुन यहाँ पर बैठे हुए हैं राजनीति इज वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स तो मैं एक्साइटेड भी था कि आई एम गोना वर्क विथ अर्जुन सनी के साथ तो मैं काम कर चुका हूं दिगांगना uh, आपने तो मामा के साथ किया है तो ऐसा लगता है मेरे साथ कर ही चुकी हैं काम तो <laughs> हम <laughs> <laughs> एक ही हैं दोनों एक ही हैं uh, बट जेनुनली सर रमेश जी मैं जेन्युनली बहुत और आज मैं पर्सनली मैं ब, कह रहा हूँ ऑनेस्टली नॉर्मली uh, लोग कहते नहीं मेरी पहली मुलाकात है मतलब फ़ोन पे हमारी काफ़ी मुलाकातें हो चुकी हैं बातों बातों में लेकिन ऐसे मैं फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ और आप बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे मुझे और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत मजा आने वाला है काम करके आपके साथ थैंक यू वेरी थैंक यू थैंक यू वेरी मच और यकीन यकीन देखेंगे आप बहुत मज़ा आने वाला है और जैसा मैंने बोला कि हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है कि कसर में वजन होना चाहिए और मास्टर जी जैसा वजन तो किसी का है ही नहीं नहीं अभी चला गया सर नहीं नहीं हाँ हमेशा वो, वो मैं मैं जी जब भी मिलते हैं मैंने इनको बड़े से छोटा होते देखा है मैं। मास्टर जी और लुकिंग वेरी यंग बहुत बढ़िया आप तो खुद हीरो हुआ। मेरे ख्याल से हमारा एक प्रोजेक्ट आने वाला है दूसरा दूसरा है मास्टर जी को हीरो बनाते हैं आप एक देखिए मैं मैं इनिशियली मैं म्यूज़िक में था जैसा मैंने आपको कहा मैंने ठीक है मैंने स्टोरीज लिखी है मैं थिएटर में रहा हूँ मैंने सब कुछ किया लेकिन फिल्म लाइन में एस सच अपार्ट फ्रॉम म्यूज़िक वीडियोस मैंने कुछ नहीं किया था लेकिन चूंकि एक चार पाँच साल से हम इस पर काम कर रहे थे तो मास्टर जी का जो काम इन्होंने किया है इसके पहले वो देख के मैंने ये तय किया था कि मेरे गानों की जो कोरियोग्राफी है वो गणेश आचार्य जी करेंगे और जब हम उनके पास में गए तो ये तो पहले विश्वास ही नहीं कर मतलब कर, कर कर रहे थे अरे बोले साहब बहुत प्रोड्यूसर आते हैं और बोलते कि आप करो आप करो फिर भाग जाते हैं फिर उनको परिचय दिया होगा धनंजय ने अब फिर बोले नहीं फिर फिर ठीक है फिर ठीक है अब मैं मेरा वो परिचय नहीं देना चाहता आई डोंट वॉन्ट टू गो इन टू हिस्ट्री ऑफ माई करियर हाँ वो 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 उसमें नहीं जाना चाहता लेकिन जब ये आए और इन्होंने काम किया मैं बता रहा हूं आके चकाचौंध हो गई थी क्या था वो क्या नजर आता वो एंडिया स्टूडियो में जब लोग हम लोग शूटिंग कर रहे थे गानों की शूटिंग कर रहे थे कमाल का आप देखेंगे आप अब सनी जी का इंतजार कर रहे हैं तो अब फिर से मैं मेरे हीरो के तरफ आता हूं अब इनको जाना है जल्दी लेकिन अब जाने नहीं देंगे थोड़ा सा थोड़ा सा रुकीये थोड़ा सा रुकीये Abah, okay? Okay, okey. Saya boleh pergi.

चेयर्स ऐसे ले लेंगे सर नाउ वी आर गोइंग टू गो फॉर द टीजर्स ऑफ द सॉन्ग है ना थोड़ा सा ये क्लियर कर देंगे थोड़ा नीचे करें ले ले सर ये सीन नीचे उतार दो लाइट्स ऑफ करिए लाइट्स ऑफ और ऐसे जमाने में एक ऐसा किरदार जो केवल देखिए सनी जी को हमने कोई आइटम सॉन्ग के लिए नहीं लाया नहीं लाया उनको शी इज अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट शी इज अ पार्ट ऑफ द स्टोरी एंड यू विल नोटिस इन्होंने अपने करियर में सनी जी ने अपने करियर में इस गाने जैसा गाना अभी तक के नहीं किया यानी कि लावणी उनके पूरे करियर में इन्होंने लावणी अभी तक के नहीं की जो मास्टर जी ने इनको इनको कराया और आप देखेंगे ये कहां पहुंचाई ये, ये लावणी जो है फर्स्ट टाइम इन इन हिंदी इस प्रकार की लावनी जो कि मेरा सौभाग्य कि मेरे प्रोजेक्ट का हिस्सा है, है सनी जी आप देखेंगे फर्स्ट रंगीली रात का टीजर अर्जुन जी मास्टर जी अर्जुन जी आप पहले फोटो कर लेते हैं जाना है